हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ आप सबका अपने एक और ब्लॉग में। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हुए 9, और जो सुबह ही धुंध आई हुई थी ना, वो अब तक उतरी नहीं है। बहुत ज़्यादा कोहरा आया हुआ है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में कहीं जाने का मन भी नहीं करता, लेकिन अचानक से ही भाभी को अपने ननिहाल जाना पड़ेगा, क्योंकि मौसी जी का फ़ोन आया था सुबह ही, भाभी की मम्मी का। तो उन्होंने बोला था तेरी नानी बहुत ज़्यादा बीमार हो रही है, एक बार उनको देखिया। भाभी रेडी हो जाएगी खाना बनाने के बाद, और भाई भी आ जाएंगे। और खाना खाने के बाद उन दोनों को फिर यहाँ से निकलना भी है, क्योंकि सहारनपुर के पास है ननिहाल भाभी का, तो जाने में भी टाइम लगेगा और फिर उधर से आने में भी टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा इन दोनों को। तो अभी भाभी बना रही है खाना, तब तक मैं कर लेती हूँ और दूसरा काम, और जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम भी अपना काम कर लेते हैं। और अभी ये देखिए, हमारा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये कपड़े भी ऐसे रखे हैं, बेडशीट चेंज करनी है मुझे, और ये इन कपड़ों की तय करके रखनी है, और झाड़ू पोछा करना है। बर्तन तो मैंने साफ कर लिया। ये देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है और धुंध कितनी ज़्यादा आई हुई है, कोहरा, और बाहर तो बिल्कुल भी कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। बाहर जाकर देखा है मैंने, अभी सुबह का टाइम है, कितना ज़्यादा कोहरा आया हुआ है। ये देखिए, और उसकी बूंदे, और भाभी चलती है अपनी मम्मी। हाँ, ये भी ठीक है। वो चले गए भैया, भाभी अपनी मम्मी है अपनी नानी को देखने, और अब मेरा काम शुरू हो गया है। अब पहले मैं बेडशीट चेंज करूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी।
बाहर की साफ सफाई रह गई है, बाहर मैं झाड़ू लगा दूंगी। अभी मैं इसको पानी पिला देती हूँ, पानी पीने के बाद मैं इसको अंदर बरामदे में बांध दूंगी, ये आराम से बैठ जाएगी। और फिर झाड़ू लगा के मैं फर्श धो दूंगी। अभी ये गोबर किया हुआ था गाय ने, तो पहले इसको उठा देती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगा दूंगी। जहाँ पर पशु बनते हैं वहाँ पर तो ज़्यादा गंदा हो ही जाता है, ये बार बार में गोबर और बाथरूम करते रहते हैं इसलिए, और हमें भी बार बार उनके नीचे झाड़ू लगानी पड़ती है, हमें भी साफ सफाई का ध्यान देना पड़ता है। पशुओं के नीचे जितना साफ रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो पहले तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं फर्श धो दूंगी। सारा काम खत्म हो गया, मैंने फर्श भी धो दिया है यहाँ का, बर्तन साफ भी हो गए हमारे और झाड़ू पोछा भी हो गया है देखिए। और अभी मैं देखती हूँ और क्या काम बचा है, काम तो कुछ नहीं बचा है। मैंने जो कपड़े मेरे भैया भाभी निकाल के गए हैं मैंने उनकी तह भी बना के रख दिया है। और इधर मैंने ये बेड शीट है जो धुलेगी, मैंने अभी चेंज की थी तो ये धुलने के लिए मैंने एक तरफ रख दी है। और झाड़ू पोछा भी हमारा हो गया है ये, और बाहर का फर्श भी मैंने धो दिया है, गाय मैंने बरामदे में बांध दी है और बर्तन साफ भी हो गए हैं बस अब। और कपड़े धोऊंगी मैं कल, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि जब कोई घर का अपना बाहर कहीं जाता है कि धोया करते हैं, इसलिए मैं कल धोऊंगी कपड़े। और अभी मम्मी पापा तो खेत गए हैं, जल्दी हमारा खाना बन गया था, मम्मी पापा भी खाना खा के गए हैं, तो अभी मैं चाहे किसी भी टाइम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, तो अभी धूप नहीं निकली है, 11 बज गए हैं, तो मैं तब तक थोड़ा लियाप में बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी तो कुछ काम है ही नहीं करने का, जो मैं करूँगी सारा काम मेरा हो ही गया है, तो अभी देखते हैं। और एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरी भाभी को गिफ्ट किया है किसी ने उनके बर्थडे पर, 11 जनवरी का उनका बर्थडे था, उन्हें गिफ्ट किया है ये। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा। आते ही खोल लिया था भाभी ने इसको और यहाँ पे रख दिया है, ये कॉर्नर स्टैंड है ना, तो यहाँ पर बहुत सामान रखा हुआ है, इसके जैसा एक ऊपर वाला, इसके जैसा है सेम, और बस रखे हुए हैं। और ये गिफ्ट किया था शादी के टाइम राहुल ने, जो मेरी बड़ी दीदी है उनका लड़का है बड़े वाला राहुल, तो उसने गिफ्ट किया था ये वाला कफ फोटो वाला। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।